कुल्लू के हरिपुर में बुजुर्ग अधिकारी ने बंद किया माइक, परमाणु में मंत्री के जेई को फटकार। प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम में रविवार को जहां कुछ अधिकारियों का सही काम सामने आया तो कुछ की लापरवाहियां दिखी। कुल्लू जिले के हरिपुर में जनमंच के दौरान क्षेत्र की समस्याएं रख रहे एक बुजुर्ग का शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के सामने ही वहां मौजूद अधिकारी ने माइक बंद करवा दिया। बुजुर्ग लोतराम सिंचाई कुहल, सड़क पुल व अवैध कब्जों की समस्याएं रख रहे थे। शिक्षा मंत्री के कहने पर फिर माइक ऑन किया गया। उधर सोलन जिले के परवाणु में एक पंचायत के वार्ड पंच ने जल शक्ति विभाग में पानी की समस्या उठाई। पंच ने कहा कि जब भी पानी की समस्या की बात करते हैं तो कनिष्ठ अभियंता कहते हैं कि जहां मर्जी चाहो शिकायत कर दो। इस बात से गुस्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जेई को फटकार लगाते हुए काम करने के लिए उपयुक्त स्थान देने की बात कह दी। मंत्री ने कहा कि अगर निर्वाचन क्षेत्र में काम करना है तो काम करने की भावना रखें। इसके बाद मंत्री ने जेई को तुरंत कार्य करने के लिए कहा और रजिस्टर लगाकर सीधी रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। हिमाचल में 1000 से कम हुए एक्टिव केस, जाने डिटेल। हिमाचल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई हो लेकिन मौत का आंकड़ा कभी खरगोश तो कभी कछुआ की चाल से चल रहा है। रविवार को हिमाचल में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। यह मौतें शिमला और ऊना जिला में हुई है। शिमला जिला में एक 78 वर्षीय महिला जबकि ऊना में 65 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 146 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 910 एक्टिव केस मौजूद हैं। सबसे अधिक मामले कांगड़ा जिला में सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से शिमला में 10, ऊना में 6, सोलन में 3, कुल्लू में 1 और हमीरपुर में भी 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। अब पर्यटक 6 माह बाद कर सकेंगे दीदार। सैलानियों की प्रमुख सैरगाह रोहतांग दर्रा को अब सैलानियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के साथ आम वाहन भी सोमवार से मनाली के कोठी से आगे नहीं जा सकेंगे। सेना, पुलिस और आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयार ऑनलाइन परमिट की वेबसाइट भी बंद कर दी है। तापमान में गिरावट, नालों में पानी जमने तथा सड़क में फिसलन का खतरा होने से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। अब पर्यटक 6 माह तक रोहतांग दर्रा का दीदार नहीं कर सकेंगे। घर की छत पर संदिग्ध हालात में मिला अध्यापिका का जला शव। गढ़ू मंदवाड़ा गांव में एक अध्यापिका की संदिग्ध हालत में घर की छत पर जलने से मौत हो गई है। यह घटना जिला ऊना से सामने आई है। शव की जांच और घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए रविवार को कांगड़ा से फॉरेंसिक टीम गढ़ू मंदवाड़ा पहुंची। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार डंगो खास की मीनाक्षी की शादी मंदवाड़ा गांव में अमरजीत सिंह के साथ करीब 14 साल पहले हुई थी। उनकी एक 13 वर्षीय बेटी भी है। मीनाक्षी निजी स्कूल में अध्यापिका थी। अमरजीत सिंह अम में एक निजी उद्योग में नौकरी करता है। अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वह रोज की तरह शनिवार रात करीब 8 बजे घर पहुंचा। घर के बाकी सदस्य एक शादी समारोह में गए थे। उसने खुद ही खाना गर्म कर खाया और टीवी देखने लग गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी स्कूल के कार्य में व्यस्त है। रात करीब 10 बजे उसने मीनाक्षी की तलाश शुरू की। इस दौरान घर की छत पर पत्नी का जला हुआ शव मिला। अभी तक पुलिस को सुसाइड नोट घर से नहीं मिला है। बीड बिलिंग में टैंडम उड़ान के दौरान ऊंचाई से गिरा युवक, मौके पर मौत। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में टैंडम उड़ान के दौरान नगरोटा बगुआ के मुमता गांव का युवक संदीप चौधरी नीचे गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोस्तों के साथ घूमने आए संदीप ने दोपहर करीब 1 बजे जोगिंदरनगर के चौथड़ा के पायलट युवराज के साथ बिलिंग स्थित टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरी और बीड स्थित लैंडिंग साइट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गीय महात्मा शेष राम की कुटिया के समीप मकान की एक छत पर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऊंचाई से गिरते समय संदीप चिल्ला रहा था। मकान की छत पर गिरने से एकदम बाद संदीप की मौत हो गई। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है और जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल सकेगा। सीएम जयराम ठाकुर बोले, उपचुनाव के परिणाम से समय पर मिला सबक। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार भाजपा के लिए समय पर दी गई चेतावनी है। इसे किसी भी तरह से प्रदेश सरकार का अंतिम आकलन नहीं समझा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात एक समाचार एजेंसी से हुई बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के इन उपचुनाव में हार के पीछे कई कारण रहे हैं जिनकी समीक्षा की जरूरत है, लेकिन अति आत्मविश्वास प्रमुख कारण रहा है जिसकी वजह से पार्टी को इन उपचुनाव में कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों को समय पर मिली चेतावनी मानते हुए भविष्य के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए। नेशनल हॉकी खिलाड़ी रेहड़ी चलाने के लिए मजबूर। हॉकी स्टिक संभालने वाले हाथ रेहड़ी संभालने के लिए मजबूर हैं। हॉकी की नेशनल खिलाड़ी नेहा सिंह छोटी बहन निकिता के साथ हमीरपुर के बाजार में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाती हैं। कॉलेज की पढ़ाई और खेल के करियर को बीच में ही छोड़कर
नेहा परिवार का पेट पालने के लिए रेहड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं। कुछ महीने पहले नेहा के पिता चंद्र सिंह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार हुआ। वे कई महीनों से बिस्तर पर हैं। वे मछली कॉर्नर चलाते थे। पिता के बीमार होने पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी नेहा और उनकी छोटी बहन पर आ गई। छोटी बहन निकिता बीए कर रही है। भाई अंकुश बाल स्कूल हमीरपुर में पढ़ रहा है। मंडी जिले के कोटली के रहने वाले इस परिवार के पास जमीन भी नहीं है। इस वजह से नेहा झुग्गी झोपड़ी में परिवार के चार अन्य सदस्यों के साथ रह रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द घर के निर्माण के लिए उन्हें पैसा दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को रोजगार भी दिया जाए। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार को घर निर्माण के लिए निदेशालय को प्रपोजल भेजी गई है। उम्मीद है जल्द मंजूरी मिलेगी। सीएम जयराम ने अपने गृह क्षेत्र में किया हार पर मंथन, बूथ स्तर पर जाने कारण। उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी का इस पर मंथन जारी है। सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को अपने गृह क्षेत्र सराज के सभी पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों के साथ पंडोर रेस्ट हाउस के प्रांगण में बैठक की और चुनाव में रही कमियों पर मंथन किया। जयराम ठाकुर ने बूथ वाइज हार के कारणों को जानने का प्रयास किया और उसकी समीक्षा की। जिस बूथ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को कम वोट पड़े थे और इस बार वहां ज्यादा वोट पड़े, इस बात को लेकर गहन मंथन किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर सरकार की तरफ से कहां पर कमी रह गई, जो सराज से बीजेपी प्रत्याशी को उतनी अधिक लीड नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी। पैरापीट तोड़ होटल की पार्किंग में पहुंची कार, घर से टकराई एचआरटीसी की बस। हिमाचल में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले शिमला और मंडी जिला से सामने आए हैं। यहाँ राजधानी शिमला में जहाँ एक कार सड़क किनारे लगे पैरापीट को तोड़ते हुए एक होटल की पार्किंग में जा पहुंची, वहीं मंडी जिला में एक एचआरटीसी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर से जा टकराई। इन दोनों हादसों में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पहला मामला राजधानी शिमला में रविवार दोपहर पेश आया। यहां एक कार अनियंत्रित होकर होटल की पार्किंग में गिर गई, जिससे कार में सवार दो लोग घायल हो गए। हादसा छोटा शिमला थाना क्षेत्र के तहत सर्कुलर रोड पर होटल हिमलैंड के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रामपुर से दो लोग कार में सवार होकर शिमला की ओर जा रहे थे। इसी तरह से दूसरा मामला मंडी जिला के सराज क्षेत्र से सामने आया है। यहां सराज क्षेत्र के तहत आने वाले लंबाथास गांव में एचआरटीसी की बस की ब्रेक ना लगने पर चालक ने उसे सड़क किनारे बने घर से टकरा दिया। यदि चालक ऐसा नहीं करता तो दूसरी तरफ बस खाई में गिर जाती और बड़ा हादसा हो जाता। हादसे के समय बस में 13 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। यह बस जंजेली से मंडी के लिए वाया शिकावरी आ रही थी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।